गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर डिस्कस करेंगे और ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स मई 2018 में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनके लिए रिलेवेंट होगा। ऑब्वियसली जो मई 18 में एग्जाम देंगे उसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? सो ये वो नोटिफिकेशंस हैं या सर्कुलर जो इश्यू हुए हैं बिटवीन फ्रॉम 1st August 2017 टू 31st October 2017। क्लियर? वो नोटिफिकेशन और सर्कुलर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो अगस्त 17 से लेके अक्टूबर 17 के बीच में हुए हैं और ये सारे के सारे डिस्कशंस आपके मई 18 में जो एग्जाम दोगे एप्लीकेबल होंगे। उनमें से कुछ ऐसे सर्कुलर या नोटिफिकेशन थे जो हम हमारे रेगुलर लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी मैं वापस से यहां रिपीट करूंगा। और कुछ ऐसे सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो उस समय हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे उनको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चैप्टर वाइज अरेंजमेंट कर रखा है। टोटल हमारे आईपीसीसी या इंटर में 10 चैप्टर थे। जिन जिन चैप्टर्स में हमको ये नए सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस इश्यू हुए हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट सर्कुलर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पेज नंबर 132 मैं कुछ पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड लूंगा कि किस बैकग्राउंड में इस सर्कुलर की जरूरत पड़ी। द सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इश्यूड फ्रॉम 1st August 2017 टू 31st October 2017। नाउ सप्लाई अंडर जीएसटी, हमारा चैप्टर 2 था सप्लाई, वहां एक सर्कुलर इश्यू किया गया है, क्लरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर? सो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक सर्कुलर है और थोड़ा सा अगर मैं आपको सर्कुलर के बारे में बताऊं कि सर्कुलर्स क्यों इश्यू किए जाते हैं, उसका रीजन होता है अगर किसी प्रोविजन में क्लियरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, तो उसे और क्लियर करने के लिए सर्कुलर इश्यू किए जाते हैं। तो सर्कुलर इश्यू करने के पीछे जो रीजन होता है वो रीजन क्या होता है, जो लॉ है वो कंफ्यूजिंग है, उसमें कोई ना कोई क्लियरिटी नहीं है, अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, तो सर्कुलर इश्यू किए जाते हैं और क्लेरिफाई किया जाता है कि इस ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग ये होगा, इस प्रोविजन का मीनिंग ये होगा। एक प्रिंटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें भी कोई ना कोई कंफ्यूजन था और उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये सर्कुलर इश्यू किया गया है। फ्रेंड्स, ये सर्कुलर डिस्कस करने से पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा सेक्शन 8। मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन 8 रिकॉल करा रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जब हमने सेक्शन 8 डिस्कस किया था और सेक्शन 8 था कंपोजिट सप्लाई वर्सेस मिक्स सप्लाई और एंड मिक्स सप्लाई, कुछ भी कह सकते हैं, हमने कहा था सप्लाई भी दो तरह की हो सकती है, कंपोजिट और मिक्स। क्या कहा था हमने कि जब दो या दो से ज्यादा गुड्स सप्लाई किए जाते हैं या दो से ज्यादा सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं या कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज एक साथ सप्लाई की जाती है, दैट मीन्स जब दो या दो से ज्यादा आइटम सप्लाई किए जाते हैं तो ऐसी सप्लाई कंपोजिट भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकती है। क्लियर? नाउ कंपोजिट है या मिक्स ये डिपेंड करता है
क्या वो सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है या नहीं। नेचुरली बंडल का मतलब क्या आप उसे सेपरेट दे सकते हो या सेपरेट नहीं दे सकते हो, इस बात पर डिपेंड करता है। तो कंपोजिट और मिक्स दोनों में सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों में दो या दो से ज्यादा आइटम सप्लाई किए जाते हैं फॉर अ सिंगल प्राइस और सारे आइटम एक साथ दिए जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो दो या दो से ज्यादा आइटम्स दैट इज गुड्स या सर्विसेज दी जा रही है वो ऐसे गुड्स या सर्विसेज है जिन्हें अलग अलग दिया ही नहीं जा सकता, दे आर नेचुरली बंडल्ड, उन्हें तो बंडल में ही दिया जा सकता है। जहां मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल दिया था कि मान लो एक्स ने वाई को कुछ गुड्स सेल किया है तो उसने क्या दिया, गुड्स। गुड्स के साथ में उसने उसको क्या किया, पैक किया, पैकिंग। उसके बाद उसने क्या कराया, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ रास्ते का ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करा दिया। तो एक्स ने वाई को क्या दी है, बहुत सारी चीजें दी है, उसने गुड्स भी सप्लाई किया है, साथ में पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस सर्विसेज भी दी है, दैट मीन दो या दो से ज्यादा आइटम दिए हैं। क्वेश्चन रेस होगा कि ये कंपोजिट है या मिक्स। सोचो क्या ये आइटम अलग अलग दिए जा सकते हैं नॉर्मली, या नॉर्मली ये आइटम अलग अलग नहीं दिए जा सकते हैं। अगर आप गुड सेल करोगे तो साथ में पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस देना पड़ता है, तो हमने कहा था इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। या और एग्जांपल लो, मान लीजिए आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, राजधानी एक्सप्रेस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ फूड भी सप्लाई किया जाता है, और दोनों चीजों का, ट्रांसपोर्टेशन प्लस फूड, दोनों का अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा। दो चीजें दी गई है, ट्रांसपोर्टेशन प्लस फूड, दो आइटम दिए गए हैं। सोचना पड़ेगा कंपोजिट है या मिक्स। तो सोचो आप अगर उस फ्लाइट में जाओगे तो ये फूड सर्विसेज आपको लेनी पड़ेगी। क्या ये पॉसिबल है कि आप राजधानी का फूड एंजॉय करना चाहते हो, एयरलाइंस का फूड एंजॉय करना चाहते हो, बट आप ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते हो? दैट इज नॉट पॉसिबल। जो ट्रैवलिंग करेगा उसे फूड सप्लाई होगा, इसे अलग अलग नहीं दिया जा सकता। सो इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। और मिक्स सप्लाई का मतलब होता है ऐसी सप्लाई जिसे प्रैक्टिकली अलग अलग दी जा सकती है। मान लो आपने पूरा पैकेज लिया जिसमें जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक है, क्लियर, और कोई स्नैक्स वगैरह है, और चॉकलेट्स है, बहुत सारे आइटम है। हाँ ये आइटम मार्केट में अलग अलग अवेलेबल है, पर आपने एक साथ लिया। बट ये मार्केट में अलग अलग अवेलेबल है, इन्हें सेपरेट किया जा सकता है, इट इज नॉट कंपोजिट, इट इज मिक्स सप्लाई। क्लियर? सो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में मेन डिफरेंस ये होता है कि ऐसी चीज जो अलग अलग दी ही नहीं जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो नेचुरल बंडल्ड है उसे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, और जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है उसे क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई। क्लियर? हमारा जो नोटिफिकेशन है, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहां एक कंपोजिट सप्लाई के बारे में कुछ डिस्कस किया जा रहा है। और जब कंपोजिट सप्लाई समझाया था तब मैंने आपको कहा भी था कि कंपोजिट सप्लाई में एक सर्विस तो क्या होती है, एक सप्लाई तो क्या होती है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, बाकी सारी क्या होती है, एंसिलरी, सपोर्टिंग। जैसे हमारे एग्जाम्पल में मेन चीज क्या है, सेल ऑफ गुड्स, तो दिस इज प्रिंसिपल सप्लाई, प्रीडोमिनेंट सप्लाई, बाकी सब क्या है, सपोर्टिंग। आप राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हो, दो चीजें मिली है, ट्रांसपोर्टेशन और फूड, बट प्रिंसिपल चीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, फूड क्या है, एंसिलरी, सपोर्टिंग एक्टिविटी। तो कंपोजिट सप्लाई में एक चीज प्रिंसिपल होती है और बाकी सारी क्या होती है, सपोर्टिंग। और क्या रखा है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसे ही मेन सप्लाई माना जाएगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल सप्लाई को ही सप्लाई मानकर एंटायर अमाउंट पर रेट अप्लाई की जाएगी। हमारे एग्जांपल में चार चीजें दी गई है लेकिन प्रिंसिपल क्या है, सेल ऑफ गुड्स। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा,
सप्लाई ऑफ गुड्स, और गुड्स के ऊपर जो रेट है वो एंटी कंसीडरेशन पर चार्ज की जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ अगर मैं लिंक करूं प्रिंटिंग से, क्या होता है प्रिंटिंग में, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई दो पर्सन है, क्लियर? आपने सुना भी होगा ऐसे, फॉर एग्जांपल हमें कोई बुक पब्लिश करानी है तो हम क्या करते हैं, हम किसी प्रिंटर को पकड़ते हैं, बुक के सारे कंटेंट दे देते हैं, या मैरिज के कार्ड छपवाने हैं, विजिटिंग कार्ड छपवाना है, कोई एनुअल रिपोर्ट छपवानी है, कोई ब्रोशर वगैरह हमको प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी प्रिंटर को पकड़ते हैं, उसे हम हमारे कंटेंट दे देते हैं कि भाई ये तू छापना, ये प्रिंट करना। वो प्रिंटर, उसके पास में एक मशीन है, वो प्रिंटिंग पेपर परचेस करता है, यूज करता है, और बहुत सारी चीजें यूज करता है, और हमारे कंटेंट प्रिंट करके हमें सप्लाई कर देता है। क्लियर? तो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट एक्स एंड वाई दो पर्सन है, एक्स चाहता है कि उसकी बुक छापी जाए, या उसको अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाने हैं, या कोई और चीज प्रिंट करवानी है, तो एक्स क्या करेगा, एक्स अपने कंटेंट देगा, उस कंटेंट में उसका लोगो हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी कंटेंट हो सकता है। उसने अपने कंटेंट किसको सप्लाई किए, वाई को। वाई के पास क्या है, एक प्रिंटिंग मशीन है, ये प्रिंटर है, प्रिंटिंग मशीन है, क्लियर? ये प्रिंटिंग पेपर्स वगैरह यूज करेगा, पेपर के साथ साथ अदर मटेरियल यूज करेगा और प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद में इसको सप्लाई कर देगा, और एक्स इसके बदले में इसको क्या दे देगा, कंसीडरेशन। तो प्रिंटर कौन है, ये सप्लायर है। ये क्या सप्लाई कर रहा है, इसको कोई ना कोई प्रिंट होने के बाद बुक्स है, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह वो सप्लाई कर रहा है, विजिटिंग कार्ड वगैरह, जिसके रेस्पेक्ट में एक्स क्या पे कर रहा है, कंसीडरेशन पे कर रहा है। क्लियर? तो ये कौन है, सप्लायर, ये कौन है, रिसिपियंट। क्लियर? तो एक्स ने अपनी चीजें, अपने कंटेंट प्रिंटर को दिए, प्रिंटर ने प्रिंटिंग का काम किया, पेपर वगैरह यूज किया, अदर मटेरियल यूज किया, और प्रिंट होने के बाद वो बुक या विजिटिंग कार्ड या एनुअल रिपोर्ट एक्स को सप्लाई कर दी, और एक्स ने उसके रेस्पेक्ट में पेमेंट कर दिया। क्लियर? अब आप देखो, ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्स और वाई के बीच में, इसमें क्या क्या चीजें गई है, इसमें दो एलिमेंट गए हैं, एक तो प्रिंटिंग, मैं अब इधर उधर लिख रहा हूं, एक तो प्रिंटिंग, वाई ने क्या क्या है, कुछ ना कुछ प्रिंट किया है, और प्रिंट क्या होता है, सर्विस। प्रिंटिंग के साथ साथ उसने पेपर भी तो यूज किया है, मटेरियल वगैरह भी तो यूज किया है, दैट मीन्स उसने गुड्स भी दिया है। क्लियर? क्या दो या उससे ज्यादा आइटम सप्लाई हुए, यस। वाई ने एक्स के लिए प्रिंटिंग का भी काम किया है, सर्विस, और साथ साथ में पेपर वगैरह भी यूज किए, इसका मतलब इसने गुड्स भी दिया है। सोचो क्या ये पॉसिबल है, दोनों चीजों को अलग अलग करना, प्रिंटिंग और जो पेपर, क्या इसको अलग अलग सप्लाई किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। इसलिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये कंपोजिट सप्लाई है। क्यों कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि वाई के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो ओनली प्रिंटिंग करें या ओनली पेपर दे, दोनों चीजें साथ साथ होनी है। पेपर या अदर मटेरियल्स दे रहा है वो क्या है, गुड्स। प्रिंटिंग का जो काम किया है वो क्या है, सर्विस। तो वाई ने एक्स को गुड्स भी दिया है प्लस सर्विस भी दी है, और ये कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि ये चीजें अलग अलग नहीं दी जा सकती। अब कंपोजिट सप्लाई है तो एक प्रॉब्लम पैदा होगी, एक क्वेश्चन रेज होगा कि इस दोनों आइटम में हम किसे प्रिंसिपल माने। अगर आप प्रिंटिंग को प्रिंसिपल मानोगे तो एंटायर ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाएगा, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप पेपर को मेन प्रिंसिपल सप्लाई मानोगे तो एंटायर अमाउंट को क्या माना जाएगा, एंटायर सप्लाई को क्या माना जाएगा,
सप्लाई ऑफ गुड्स। अब प्रॉब्लम हो गई कि प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में हम किसे प्रिंसिपल माने, प्रिंटिंग वाली चीज को या पेपर्स वगैरह की सप्लाई को, ये कंफ्यूजन था। और सर्कुलर इश्यू करके इस कंफ्यूजन को रिमूव किया गया। क्लियर? नाउ कैसे क्लेरिफाई किया गया, मैं इसको हटा रहा हूं, ऐसा जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरीके से क्लेरिफाई किया, तो ये बात तो डिसाइड है कि इन्होंने इस आइटम को क्या माना है, कंपोजिट सप्लाई। क्यों कंपोजिट सप्लाई? क्योंकि प्रिंटर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि ओनली प्रिंटिंग करें या ओनली पेपर सप्लाई करें। दोनों चीजें जानी तो साथ साथ ही है, सेपरेट हो नहीं सकती, कोई डाउट नहीं है। तो कंपोजिट सप्लाई, और जब कंपोजिट सप्लाई है तो डिसाइड करना पड़ता है कौन सी सप्लाई मेन है, प्रीडोमिनेंट है, प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल सप्लाई को ही एंटायर सप्लाई पर अप्लाई की जाएगी। क्लियर? तो इसने दो बातें करी कि क्या चीजें सप्लाई की गई है। पेज नंबर 132 पे मैं कुछ पढ़ रहा हूं। अगर मान लीजिए दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किसी बुक्स के बारे में था, कि वाई को बुक्स छापनी थी या कोई पैम्पलेट छापने थे या कोई ब्रोशर, या एनुअल रिपोर्ट्स और लाइक आइटम, या इसी तरह की कोई चीज। दूसरी तरफ का मान लीजिए वाई ने प्रिंटिंग का काम तो किया है, पर उसने प्रिंटिंग क्या किया, कोई ना कोई एनवेलप। पता है आपको, जब हम शादी वगैरह में जाते हैं एनवेलप देते हैं तो कई एनवेलप प्रिंटेड होते हैं, उस पर हमारा नाम पहले से लिखवा देते हैं बजाय लिखने के। तो हम प्रिंटर को क्या बोलते हैं, यार ऐसा ऐसा एनवेलप तैयार करना, इसके ऊपर ये चीज प्रिंट करना और हमको 5000 लिफाफे दे देना। तो हमने उसको क्या दिया है, हमने नाम, एड्रेस, ये सारी कंटेंट सप्लाई कर दी। वो पेपर परचेज करेगा, लिफाफा एनवेलप बनाएगा, प्रिंट करेगा और हमको सप्लाई कर देगा। क्लियर? तो उसने हमारे लिए क्या किया, एनवेलप प्रिंट करने का काम किया है, या लेटर कार्ड्स, और हो सकता है प्रिंटेड बॉक्सेस, ये भी होता है। आप शॉप पे जाते तो पता होगा कई फर्म अपने खुद के बॉक्सेस देती है प्रिंट करके। टिश्यूज, आप अगर होटल में गए तो आपने देखा टिश्यू पेपर जो होते हैं उसके ऊपर भी होटल्स का नाम लिखा हुआ होता है, और नैपकिन्स, होटल्स में जाएंगे तो आपको नैपकिन्स भी मिलेगा, वहां पे उस होटल का नाम भी लिखा हुआ होता है, एक्सेट्रा। क्लियर? नाउ पॉइंट इज, ये कहा गया कि अगर आप प्रिंटर से कोई बुक, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स या एनुअल रिपोर्ट या इसी तरह का कोई ना कोई और चीज प्रिंट करवा रहे हो, तो कहा है इसमें मेन चीज क्या है, हमने उसे क्या दिए, हमने उसे कंटेंट दिए है। हां, उसने पेपर यूज किया है, प्रिंट किया है, बट इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह क्लेरिफाई किया गया है कि जो मेन चीज है, प्रिंसिपल सप्लाई है, वो प्रिंटिंग है। क्लियर? मेन सप्लाई क्या है, प्रिंटिंग। इसका मतलब अगर आपने प्रिंटर से बुक्स वगैरह छपवाए हैं, एनुअल रिपोर्ट, ब्रोशर्स वगैरह, तो इसे क्या माना जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि इसे क्या माना गया है, दोनों ही केस के अंदर प्रिंटर कंटेंट प्रिंट करेगा प्लस पेपर यूज करेगा प्लस अदर मटेरियल यूज करेगा और प्रिंट करने के बाद वो अपने कस्टमर को दे देगा। दोनों ही केस में होना क्या है, सेम चीज, कि हम उसे कंटेंट देंगे, वो पेपर यूज करेगा खुद का, अदर मटेरियल यूज करेगा, कंटेंट प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद हमें दे देगा। होना तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में सेम चीज है, बट ये क्लेरिफाई किया कि इस तरह की जो चीज होती है, बुक्स है, पैम्पलेट्स है, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, इसमें का मेन जो एलिमेंट होता है ना, वो प्रिंटिंग होता है। एंड प्रिंटिंग क्या होता है, सर्विस। तो एंटायर ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, और प्रिंटिंग के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो अप्लाई की जाएगी एंटायर ट्रांजेक्शन पर। क्लियर? लेकिन ये भी क्लियरिफाई किया कि आपने जो आइटम प्रिंटर को दिए हो, क्या एनवेलप्स है, लेटर कार्ड से, विजिटिंग कार्ड है, प्रिंटेड बॉक्स, नैपकिन वगैरह, तो इसमें का इसमें जो प्रीडोमिनेट प्रिंसिपल जो सप्लाई होती है
वो क्या होती है, गुड्स, वो एनवेलप सप्लाई, वो लेटर कार्ड्स, वो प्रिंटिंग कार्ड्स, वो है। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? अब ढंग से वापस से सुनना। प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है कंपोजिट सप्लाई पर, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज्यादा सप्लाई होती है। एक सप्लाई को क्या माना जाता है, प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी की रेट है वो एंटायर वैल्यू पर अप्लाई की जाती है। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं, एक वो प्रिंटर आपके लिए क्या कर रहा है, प्रिंटिंग का काम कर रहा है, दैट मीन सर्विसेज दे रहा है। दूसरा वो आपके लिए पेपर्स वगैरह यूज कर रहा है, अदर मटेरियल यूज कर रहा है, इसका मतलब गुड्स भी आ रहा है। तो प्रिंटर आपके लिए प्रिंटिंग का भी काम कर रहा है, दैट इज सर्विस, और पेपर्स वगैरह भी दे रहा है, दैट इज गुड्स। ये दोनों चीजें सेपरेट नहीं दी जा सकती, इसलिए कंपोजिट सप्लाई है। अब इस कंपोजिट सप्लाई में किसे हम प्रीडोमिनेंट सप्लाई माने, मेन सप्लाई माने, तो ये क्लेरिफाई किया गया कि मेन सप्लाई किसे मानेंगे वो डिपेंड करेगा किस तरह की प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट से। अगर प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी बुक के रेस्पेक्ट में, पैम्पलेट्स के रेस्पेक्ट में, ब्रोशर्स के रेस्पेक्ट में, एनुअल रिपोर्ट्स के रेस्पेक्ट में, या इसी तरह की चीज के रेस्पेक्ट में है, तो ये क्लेरिफाई किया गया है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में मेन जो डोमिनेंट चीज होती है वो क्या होती है, पेपर नहीं होता है, मेन चीज कंटेंट होती है। एक ऑथर को किससे मतलब होता है, बुक में लिखे हुए कंटेंट से। एनुअल रिपोर्ट में पेपर इंपॉर्टेंट है या उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट। तो कहा कि यहां उन कंटेंट को प्रिंट करना ये मेन चीज है, और जो पेपर्स और बाकी आइटम क्या है, ये एंसिलरी सपोर्टिंग चीज है। तो मेन चीज क्या है, प्रिंटिंग, एंड प्रिंटिंग इज अ सर्विस, इसे क्या माने जाएंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, जहां कोई एनवेलप्स, विजिटिंग कार्ड्स, क्लियर, कोई प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यू पेपर्स, नैपकिन्स, इनको प्रिंट किया जा रहा है, वहां पे प्रिंटर पेपर यूज करेगा, आपने जो कंटेंट दिए वो प्रिंट करेगा और आपको ये सप्लाई कर देगा। ये क्लेरिफाई किया गया है कि यहां पर प्रिंटिंग जो है वो मेन चीज नहीं है, मेन चीज क्या है, वो टिश्यू पेपर्स, वो नैपकिन्स, क्लियर। तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए, क्लियर। अब हमारे पास कोई राइट नहीं कि हम इसको चैलेंज एक तरीके से करें, क्योंकि कंफ्यूजन था और सर्कुलर इश्यू करके इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है। तो आपको नेट कंक्लूजन क्या ध्यान रखना है, इस तरह के प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और इस तरह के प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? सो पेज नंबर 132 पे मैंने कुछ लिखा है, काफी डिटेल में चीजें लिखी गई है, आप अपने हिसाब से इसे लिख दे। और इसके बीच में आएगा चैप्टर नंबर 48, 49 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम एक्ट वगैरह, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल से ध्यान में ये रखना है कि ऐसे कंपोजिट सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस माने या सप्लाई ऑफ गुड्स माने। प्रीडोमिनेंट सप्लाई क्या होगी वो डिपेंड करेगा किस तरह का प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ओके फ्रेंड्स, सो एक बार आप इसको अपने हिसाब से लिख दीजिए। समझाने के लिए मैंने बॉस कुछ लिखा है, बस सब चीजें आपको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लीजिए एक बार। ये जो प्रॉब्लम आई किस वजह से आई है, कंपोजिट प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई होते हैं, और कंपोजिट सप्लाई में हमको डिटरमाइन करना पड़ता है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, और वो प्रिंसिपल सप्लाई को ही सप्लाई मान के अकॉर्डिंगली जीएसटी रेट अप्लाई की जाती है। क्लियर? जैसे गुड्स पैकिंग, ये कंपोजिट है, बढ़िया, प्रिंसिपल क्या है, गुड्स। गुड्स के ऊपर जो जीएसटी है वो एंटायर वैल्यू पर अप्लाई की जाएगी, जिसमें चारों आइटम जा रहे हैं। क्लियर? तो प्रिंटिंग भी क्या है, कंपोजिट सप्लाई है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा इसमें मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है,
और प्रिंसिपल सप्लाई क्या है वो डिपेंड करेगा कि आप बुक्स ब्रोशर्स एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करवाना चाहते हो और या फिर एनवेलप लेटर कार्ड्स एक्सेट्रा प्रिंट कराना चाहते हो। इस तरह में कंटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कंटेंट को प्रिंट करना इंपॉर्टेंट होता है, प्रिंटिंग मेन चीज है, सो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। और प्रिंटिंग पर जो जीएसटी की रेट लगती है वो कम आएगी। एनवेलप्स लेटर कार्ड, यहां प्रिंटिंग मेन चीज नहीं है, गुड्स वो लेटर कार्ड विजिटिंग कार्ड वो चीज इंपॉर्टेंट मानी गई है, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और गुड्स की जो रेट है वो रेट एंटायर वैल्यू पर अप्लाई की जाएगी। क्लियर? समझने के लिए आपको थोड़ा कंपोजिट सप्लाई रिवाइज करना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकंड इज चार्ज ऑफ जीएसटी। हमने डिस्कस किया था चैप्टर थ्री, और चैप्टर थ्री में सेक्शन नाइन चार्जिंग सेक्शन था और एक सेक्शन टेन था कंपोजिशन स्कीम का, उसके रेस्पेक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 133 पर मैं लिख रहा हूं टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग डिटेल्स ऑफ स्टॉक एटसेट्रा बाई अ पर्सन फाइलिंग एन इंटीमेशन फॉर पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। ये नोटिफिकेशन नंबर और सर्कुलर नंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको प्रोविजन पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में होगा हमने डिस्कस किया था सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम और कहा था ये सेक्शन ऑप्शनल है। क्लियर? आप चाहे तो रेगुलर सिस्टम में टैक्स पे कर सकते हो, आप चाहे तो कंपोजिशन स्कीम में भी जा सकते हो। क्लियर? तब मैंने कहा था अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो जिस दिन आप ये ऑप्शन लेते हो उस दिन से 60 डेज के अंदर आपको जीएसटी पोर्टल पर एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है और इस स्टेटमेंट के अंदर आपको सारे के सारे स्टॉक की है जो डिटेल्स डालनी पड़ती है ताकि इन स्टॉक के रेस्पेक्ट में जो आपने आईटीसी क्लेम की थी वो रिवर्स हो जाए। क्लियर? तो सिंपल सी बात यह हुई है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो जिस दिन ये ऑप्शन लेते हो उसके 60 डेज के अंदर आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है थ्रू जीएसटी पोर्टल और उस स्टेटमेंट में आपको जो भी आपके पास में स्टॉक पड़ा है
उसकी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है। और सिंपल सा चेंज ये हुआ है कि 60 दिन की जगह इस लिमिट को अब कितना कर दिया गया है, 90 डेज। इसका मतलब जिस दिन आपने कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्शन लिया उसके 90 दिन के अंदर अब आप ये स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हो, तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा और मिले हैं। क्लियर? तो एज सच कोई प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ है, ओनली डेज चेंज हुए हैं, 60 दिन की जगह 90 दिन। ओके फ्रेंड्स, एक बार आप इसे भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ओके, क्लियर? फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ले रहा हूं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्या हमने पास्ट में डिस्कस किया था, वहां एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड की गई है। पेज नंबर 133 पर जीएसटी ऑन सर्विसेज बाई वे ऑफ हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग एक्सेट्रा, सप्लाई थ्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टू बी पेड बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सप्लायर ऑफ सच सर्विस इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(1). फ्रेंड्स, थोड़ा आप याद रखिए, हमने सीजीएसटी एक्ट 2017 का एक सेक्शन डिस्कस किया था, सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन था, और इसमें काफी सारे सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5 था। मैंने कहा था जीएसटी कौन पे करता है, नॉर्मली सप्लायर। कुछ ऐसे केसेस है जहां रिसिपिएंट, और मैंने 9(5) आपको समझाया था, तब कहा था ई कॉमर्स। क्लियर? और ई कॉमर्स सर्विसेज में जीएसटी कौन पे करता है, इलेक्ट्रॉनिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तब मैंने क्या कहा था, यार ई सर्विसेज तो बहुत सारी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, बहुत लोग ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्या सारी ई कॉमर्स सर्विसेज में, और मैंने कहा था ई कॉमर्स सर्विस में तीन पार्टी होती है, एक कौन होता है सप्लायर, एक होता है हम रिसिपिएंट, क्लियर, और बीच में कौन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसका आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जिसकी आप वेबसाइट यूज करते हो, तो ये सिर्फ क्या करता है, दो पार्टी को मिलाने का काम करता है। क्लियर? तब मैंने क्या कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये तो बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर लोग 9(5) के अंदर नहीं आएंगे। उस समय मैंने आपको दो सर्विसेज कही थी, एक थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तब मैंने कहा था भाई रेडियो टैक्सी, याद आ रहा होगा, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल, और दूसरी सर्विसेज अगर आपको याद हो तो था होटल सर्विस, होटल सर्विस। तब मैंने कहा था अगर होटल खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे नहीं करेगा, फिर तो होटल खुद पे करे। अगर होटल खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, क्यों, उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो कहा था अगर आप होटल बुक कराते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो जीएसटी कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो मीनिंग क्या हुआ, अब तक सिर्फ दो सर्विसेज ऐसी थी जो 9(5) में कवर हो रही थी, जिस पर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर थी, एक था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी,
मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल, और दूसरा था होटल सर्विसेज प्रोवाइडेड होटल खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा। या मैं ऐसा कहूं, अगर होटल का टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस हो चुका है, होटल खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, तो फिर 9(5) अप्लाई नहीं होगा, तो कौन टैक्स पे करेगा? सप्लायर होटल खुद टैक्स पे करेगी, न कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये डिस्कशन हमने रेगुलर क्लास में किया था। इस बार तीसरा आइटम और ऐड किया गया है, जो ये हाउसकीपिंग सर्विसेज। अगर आप कारपेंटर की सर्विसेज लेते हैं, प्लंबर की सर्विसेज लेते हैं, कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको कारपेंटर चाहिए, आपको प्लंबर की सर्विसेज चाहिए, तो सप्लायर तो कौन है? कारपेंटर, प्लंबर। रिसीपेंट कौन है? हम। लेकिन हमने ये सर्विसेज कैसे ली है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो क्या रखा है, इस पे भी जीएसटी कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, न कि वो प्लंबर, न कि वो कारपेंटर, प्रोवाइडेड वो प्लंबर और कारपेंटर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ना हो। बट मान लीजिए उस प्लंबर का टर्नओवर, उस कारपेंटर का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो वो खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। ऐसे केस में 9(5) अप्लाई नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे नहीं करेगा, फिर तो वो प्लंबर खुद पे करेगा। क्लियर? तो मीनिंग क्या निकला, ये हाउसकीपिंग जो सर्विसेज है, और वो सर्विसेज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ले रहे हो, तो जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, प्रोवाइडेड जो सप्लायर है वो खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ना हो। क्लियर? दैट मींस पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 दोनों की कंडीशन सेम है। होटल खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करे, प्लंबर कारपेंटर खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करे। क्लियर फ्रेंड्स? सो ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा अमेंडमेंट हुआ है, आप अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। पेज नंबर 133 पे आप आराम से पढ़ सकते हैं, और एक लाइन में न पढ़ाऊं, इंप्लाइड है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि सीजीएसटी के जो प्रोविजन है वो एज रिस्क किस पे अप्लाई होते हैं? आईजीएसटी पे। तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो हमने सीजीएसटी की बात कर ली, साथ साथ में एसजीएसटी तो है ही, और ये अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो भी सेम प्रोविजन अप्लाई होगा। हाँ, वह सीजीएसटी की जगह हम आईजीएसटी की बात करेंगे। क्लियर? तो सेम जो अमेंडमेंट हुआ है वो आईजीएसटी में भी हुआ है, प्रोवाइडेड ये कारपेंटर वगैरह, ये सर्विसेज जो है कारपेंटर, ये क्या है, ये अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो। क्लियर? आप पढ़ सकते हैं, मैं लाइन लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, एक एक करके। मैं फिर कह रहा हूं, ये नंबर्स, नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर्स नंबर याद ना करे, मैंने तो सारा आपको मटेरियल में दिया है, आप तो इसके कंटेंट ध्यान में रखें और आसपास पेज में शॉर्ट में लिख ले कि इसका नेट कंक्लूजन क्या है, मीनिंग क्या है। तो सिर्फ दो की जगह अब 3 ऐसी सर्विसेज है जो 9(5) में कवर हुई है, बस इतनी सी बात है। लिखा तो मैंने बहुत है बट आपको नेट कंक्लूजन ध्यान रखना चाहिए। लिखो आप, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 134 पेज नंबर पर कुछ डिस्कशन मैं कर रहा हूं आरसीएम के बारे में। याद होगा आरसीएम मैंने कहा था
नौ सर्विसेज आरसीएम में कवर है, क्लियर। सो कुछ डिस्कशन में आरसीएम के बारे में कर रहा हूं, और आरसीएम में टैक्स कौन पे करता है? रिसीपिएंट। जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था उस समय मैंने आपको टोटल इंटरेस्टेड सप्लाई की बात करूं तो नौ सर्विसेज की बात करी थी जो आरसीएम में कवर है, क्लियर। एक सर्विस और ऐड की गई है तो अब टोटल कितनी हो गई? 10। तो वन मोर सर्विस एडेड, वन मोर सर्विस इज एडेड, एक और हो गई है। और ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, आरसीएम में दो पार्टी होगी, एक सप्लायर और दूसरा रिसिपिएंट। जस्ट आपको याद रखना, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दूंगा। सप्लायर जो है वो कौन है? तो दे रखा है मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, ओसी, पूरा लिख लेता हूं, चलो ओवरसीइंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, क्लियर। और रिसिपिएंट कौन होगा? आरबीआई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, और जीएसटी कौन पे करेगा? आरबीआई खुद, क्लियर। देखिए आप, अभी रिसेंटली आरबीआई ने कमिटी बनाई है और उस कमिटी में पांच मेंबर हैं, एक चेयरमैन है, क्लियर। और ये कंपनी, ये जो कमिटी है, इसका काम क्या है? ये जो स्ट्रेस एसेट्स होती है बैंकिंग सेक्टर की, स्ट्रेस एसेट, दबाव वाली एसेट्स बैंकिंग सेक्टर की, उसके बारे में लुक आफ्टर करती है, क्लियर। अब आपको इस तरफ जाने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि हम जीएसटी पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या होती है कमिटी, क्या इसके फंक्शंस, क्यों बनाई गई, इस सारी हिस्ट्री में हमको जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नॉलेज दे दिया है कि बैंकिंग सेक्टर की जो स्ट्रेस एसेट्स होती है उसके लुक आफ्टर के लिए आरबीआई ने कमिटी बनाई है, पांच मेंबर हैं, पांचों मेंबर कौन होंगे वो डिक्लेयर भी कर दिए हैं, और एक चेयरमैन भी होगा, क्लियर। ये कमिटी या ये मेंबर किसको सर्विसेज देते हैं? आरबीआई को, क्लियर। तो सप्लायर कौन है? मेंबर ऑफ ओसी, ओवरसीइंग कमिटी। रिसीपिएंट कौन है? आरबीआई। क्या कह रखा है? आरसीएम में कवर होगा, दैट मीन जीएसटी कौन पे करेगी? आरबीआई। तो एक नई चीज और ऐड की गई है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इस कमिटी वगैरह के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये एक अलग एरिया ऑफ नॉलेज है, हमें जीएसटी से इससे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। नाउ पेज नंबर 134 पे मैं पढ़ रहा हूं, द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन फॉर सर्वेज, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 था, एंड नोटिफिकेशन नंबर 10 हैज बीन अमेंडेड टू स्पेसिफाई दैट सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओसी, ओवरसीइंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय आरबीआई टू आरबीआई, ये आरसीए में कवर होगा, सो सीजीएसटी, और अगर ये इंटरेस्टेड सप्लाई है आईजीएसटी विल बी पेड पेबल अंडर आरसीएम बाय रिसीपिएंट, दैट इज आरबीआई। तो 9 की जगह अब कितनी हो गई है? 10, क्लियर। और ये इंटरेस्टेड सप्लाई है तो आईजीएसटी, और आईजीएसटी में भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। एक तो ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। दूसरा आरसी में एक अमेंडमेंट और हुआ है, और वो हुआ है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाली सर्विसेज में, सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसमें भी फ्रेंड्स दो पार्टी होगी, सप्लायर और रिसिपिएंट। सप्लायर कौन होगी? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या काम कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। रिसिपिएंट कौन होंगे? हम, जो पर्सन फ्रेट पे करेगा, दैट इज कंसाइनर और कंसाइनी। तब मैंने कहा था आरसीएम का वेरी फर्स्ट पॉइंट यही था, तब क्या कहा था कि वहां एक लिस्ट दे रखे थे स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन, अगर रिसिपिएंट वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है और टैक्सेबल टेरिटरी में है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, नॉर्मली सबके सब रजिस्टर्ड लोग चाहिए थे, तो टैक्स कौन पे करेगा? हम, कंसाइनर या कंसाइनरी, न कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। वहां दो कंडीशन थी, एक लिस्ट दे रखी थी, क्या कि जो रिसिपिएंट है, जो पर्सन फ्रेट पे करेगा, भाड़ा देगा
या मैं कहूं जो कंसाइनर या कंसाइनी है वो वहां 8-10 लोगों की एक लिस्ट थी, उनमें से कोई होना चाहिए और वहां करीब करीब सारे लोग शामिल थे एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ। तब मैंने कहा था अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ भी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इस लिस्ट में कवर है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब आरसी में अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ भी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ, फर्म, कंपनी, सोसाइटी, फैक्ट्री वो तो सब थे ही, तो रिसिपिएंट इनमें से कोई होना चाहिए, ऑब्वियसली ये लोग कहां होने चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में, तो आरसी में अप्लाई होगा। तो मैंने ये कहा था अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आरसीएम हम टैक्स पे करेंगे, हम जीएसटी पे करेंगे, न कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लायर। इन दो में से एक भी कंडीशन मिसिंग है तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीएसटी पे करेंगे। ये हमारा डिस्कशन था। यहां एक ऑप्शन की बात हो रखी है, भले ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने 6% सीजीएसटी पे कर दिया है तो ऑब्वियसली 6% एजीएसटी भी होगा, 12% जीएसटी पे कर लिया टोटल। या अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 12% आईजीएसटी पे कर देती है तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। एक नई बात आई है, इसका मतलब आरसीएम कब आएगा, जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो, और थर्ड एक बात और कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने 6% या 12%, 6% सीजीएसटी तो साथ साथ 6% एजीएसटी, कुल मिला के 12% जीएसटी, और अगर आईजीएसटी है इंटरस्टेट सप्लाई है तो 12% आईजीएसटी। क्लियर? अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने 6% या 12% आईजीएसटी पे नहीं करी है तो आरसी में अप्लाई होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं भले ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाना चाहिए, लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद 6% या 12% टोटल जीएसटी पे कर चुकी है तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। ये एक ऑप्शन है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चाहे तो खुद जीएसटी पे कर सकती है और वहां रेट दे रखी है 12% जीएसटी टोटल कंपोनेंट 12%। क्लियर? मैं कुछ पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 134। For reverse charge notification for service have been amended to specify that in case of supply of service by goods transport agency in respect of transportation of goods, CGST or IGST will be payable by recipient under RCM. GST recipient RCM mein kab pay karega? Only when goods transport agency has not paid. जब भी आ रहा है सीजीएसटी 6%, इसका मतलब साथ साथ में कौन होगा, एसजीएसटी भी 6%, तो इफेक्टिवली जीएसटी कितनी होगी, 12 इंटरेस्टेड सप्लाई पर और आईजीएसटी इंटरेस्टेड सप्लाई पर 12%। इसका मतलब ओरिजिनल लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो आरसीएम हम टैक्स पे करेंगे। आज तीसरी कंडीशन और दे दी है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है प्लस एक और कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने 12% जीएसटी पे नहीं करी तो आरसीएम आएगा। तो आप कह सकते हो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद 12% जीएसटी पे कर दे तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? आपके सिलेबस में इतना ही आपको ध्यान में रखना है और फाइनल में आओगे तो इस ऑप्शन के बारे में बात की जाएगी। ठीक है? सो थोड़ा सा आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो कुछ आरसीएम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, एक तो 9 सर्विस ऑलरेडी थी, एक और एक्स्ट्रा ऐड की गई, सर्विसेज बाई मेंबर ऑफ ओसी कॉन्स्टिट्यूट बाई आरबीआई टू आरबीआई इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आरसीएम। क्लियर? एंड ये तो पहले भी थी, एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड की है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस आरसी में कब आएगी, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने 12% जीएसटी पे न किया हो। मैं ऐसा भी कह सकता हूं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर तुम खुद 12% जीएसटी पे करने का ऑप्शन लेकर पे कर दिया है तो ऑब्वियसली फिर आरसी में अप्लाई नहीं होगा, टैक्स ऑलरेडी दे चुकी है ना ये।
ओके फ्रेंड्स, सो एक पॉइंट हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर थ्री के अंदर ये सारे नए अमेंडमेंट्स आए हैं सर्कुलर या नोटिफिकेशन के फॉर्म में। पेज नंबर 134 लास्ट में एक और नोट डाला है, क्लरिफिकेशन ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस फॉर कंपोजिशन स्कीम। यहां पे एक रेस्टोरेंट सर्विस के बारे में बात की जा रही है, तो हम एक तो डिस्कशन किसके बारे में कर रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम के बारे में सेक्शन 10 में, और हमारा जो डिस्कशन है वो प्योरली रेस्टोरेंट सर्विसेज के रेस्पेक्ट में है, या मैं कह सकता हूं फूड सप्लायर के रेस्पेक्ट में। क्लियर फ्रेंड्स, सेक्शन 10 रिकॉल करिए, दो बातें वहां इंपॉर्टेंट करी थी मैंने। एक बात तो ये थी कि कंपोजिशन स्कीम में अगर आपको जाना है तो आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो होना चाहिए 1 करोड़ और लेस देन 1 करोड़। और एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय मैंने कहा था कि इसमें टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड सप्लाई दोनों शामिल की जाएगी, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट एक्सपोर्ट सब शामिल किए जाएंगे अंडर 1 परमानेंट अकाउंट नंबर का था। तो जिन लोगों के पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं करंट ईयर में। और एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेट करते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, एक तो ये डिस्कस किया था पॉइंट, दूसरा मैंने कहा था ये कंपोजिशन स्कीम किन लोगों को अवेलेबल है। तब मैंने कहा था इस तरीके से, अवेलेबल में गुड्स और सर्विस। गुड्स में मैंने कहा था नॉर्मली कंपोजिशन स्कीम गुड्स में अवेलेबल है, लेकिन 3 गुड्स ऐसे थे जहां नहीं मिलेगी स्कीम, याद करो, एक था आइसक्रीम, दूसरा था पान मसाला और एक था टोबैको। ये 3 आइटम पे आप कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते हो, अदर गुड्स जितने भी है आप ले सकते हो। तब मैंने कहा था जो ट्रेडर है वो तो 1% जीएसटी पे करेगा, 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एसजीएसटी, और जो मैन्युफैक्चरर है वो 2% जीएसटी पे करेंगे, 1% सीजीएसटी प्लस 1% एसजीएसटी। लेकिन मैंने सर्विस के लिए क्या कहा था कि कंपोजिशन स्कीम कभी भी सर्विस पर अप्लाई नहीं होती है, ओनली 1 फूड सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस। तो सर्विस में मैंने कहा था ओनली फूड रेस्टोरेंट सर्विस, हाँ कंपोजिशन स्कीम मिलेगी और वहां 5% जीएसटी पे करना पड़ता था, 2.5% प्लस 2.5%। फूड के अलावा कोई भी सर्विस है, अदर सर्विस, लीगल सर्विस हो, कंसल्टेंसी हो, कुछ भी हो, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा था, गुड्स में इन 3 गुड्स के अलावा सारे गुड्स को कंपोजिशन स्कीम मिलती है, लेकिन सर्विस में ओनली फूड रेस्टोरेंट सर्विस ही कंपोजिशन स्कीम में जा सकती है, बाकी नहीं। क्लियर, हम यह डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम इन रेस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। अगर आप सर्विस के रेस्पेक्ट में कंपोजिशन स्कीम की डिस्कशन चाहते हो वो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस पर ही हो सकता है, क्योंकि वो ही लोग कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, बाकी सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। क्लियर, नाउ यहां पर कुछ क्लेरिफाई किया गया है, मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ पढ़ रहा हूं। पेज नंबर 134 अंडर सेक्शन 172 जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट जिस बैकग्राउंड में चीज समझाई गई है उसके लिए हमको जरूरत पड़ रही है, तो आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, आपको तो नेट इफेक्ट याद रखना है कि प्रोविजन क्या है। सेक्शन 172 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल फॉर रिमूविंग एनी डिफिकल्टी
दैट मे अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. क्या कहा है कि अगर जीएसटी एक्ट के प्रोविजन का इफेक्ट देने में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि आप कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर इश्यू कर सकते हो. एक प्रॉब्लम आ रही थी जो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करी और क्या कहा कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हो, कौन सी रेस्टोरेंट सर्विसेज, फूड सप्लायर हो और रेस्टोरेंट सर्विसेज के साथ साथ आप कोई एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर रहे हो, एग्जम्प्टेड सर्विसेज भी दे रहे हो, एग्जम्प्टेड सर्विसेज, कोई भी एग्जम्प्टेड सर्विसेज जिसमें उसने कहा है लोन्स एंड एडवांसेस, जहां कंसीडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट के फॉर्म में हो. मैंने कहा था उस समय चैप्टर 10 एग्जम्पशन पढ़ाते समय कि लोन्स एंड एडवांसेस एग्जम्प्टेड सर्विस है अगर कंसीडरेशन डिस्काउंट या इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रहा है. के अलावा भी अगर कोई भी एग्जम्प्टेड सर्विस हो तो मुझे नहीं लगता कि एक सर्विस का नाम देने की जरूरत थी. इनफैक्ट ऑल या कोई भी एग्जम्प्टेड सर्विसेज हो हम किसी की बात कर सकते हैं. क्लियर? तो क्या कह रखा है कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो और उसके साथ साथ कोई एग्जम्प्टेड सर्विसेज भी दे रहे हो तो फर्स्ट तो कह रखा है अगर आप भले ही दो सर्विसेज दे रहे हो, क्योंकि माइंड में क्वेश्चन तो आएगा कि मिस्टर एक्स का रेस्टोरेंट भी है और मिस्टर एक्स और कोई एग्जम्प्टेड सर्विसेज भी दे रहा है, तो क्या ये कंपोजिशन स्कीम के लिए क्वालिफाइड है या नहीं. तो क्लेरिफाई किया गया और कहा कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस के साथ और कोई एग्जम्प्टेड सर्विसेज भी दे रहे हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कोई दूसरी एग्जम्प्टेड सर्विस दी है आपको हम कंपोजिशन स्कीम से डिसक्वालिफाइड नहीं करेंगे. अगर आप कंपोजिशन स्कीम की बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो, आप रेस्टोरेंट सर्विस को कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हो भले आप और कोई सर्विसेज भी दे रहे हो जो एग्जम्प्टेड है. एक तो ये कहा है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो टर्नओवर की कैलकुलेशन की जाएगी, 1 करोड़ रुपए की लिमिट जो टर्नओवर की कैलकुलेशन की जाएगी उसमें टर्नओवर की कैलकुलेशन करते समय जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा. तो मान लो किसी रेस्टोरेंट ने 90 लाख की सप्लाई दी रेस्टोरेंट की और उसने 50 लाख की कोई एग्जम्प्टेड सर्विसेज भी दी है तो माइंड में तो आएगा 90 प्लस 50 1 करोड़ 40 लाख आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते. गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि एग्जम्प्टेड सप्लाई की जो वैल्यू है वो टर्नओवर कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं की जाएगी. तो दो बातें करी है गवर्नमेंट ने. फर्स्ट, रेस्टोरेंट को सिर्फ इस बेस पर कंपोजिशन स्कीम के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा कि वो कोई और एग्जम्प्टेड सर्विसेज भी देता है, फॉर एग्जाम्पल लोन्स एंड एडवांसेस. दूसरा, रेस्टोरेंट के लिए कंपोजिशन स्कीम के लिए 1 करोड़ का टर्नओवर कैलकुलेशन करते समय वैसे तो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट सारी सप्लाई इंक्लूड करनी चाहिए, बट कहा है कि एग्जम्प्टेड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो ये दो बातें आप पढ़ सकते हैं. एक बार आप पेज नंबर 135 पढ़ लीजिए. 135 ओके
ओके फ्रेंड्स, क्लियर। सो ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स थे जो चैप्टर थ्री में हुए थे चार्ज ऑफ जीएसटी में। चैप्टर फोर हमने डिस्कस किया था एग्जम्पशन, उसमें कुछ नए एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने और ऐड किए हैं। वो टाइम पे हमने 81 एग्जम्पशंस पढ़े थे, तो कुछ में कुछ चेंजेस हुआ है और कुछ नए अमेंडमेंट्स ऐड किए गए हैं। तो कुछ एग्जम्पशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं और यहां मुझे लिखने के बजाय आपको ज्यादा समझाना पड़ेगा। क्लियर। नाउ फर्स्ट एग्जम्पशन, ये फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके बारे में बात कर रखी है, मैं पढ़ रहा हूं। पेज नंबर 135.1, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू दोनों साइड फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा एंड इट्स सब्सिडरीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी ऑफ द इवेंट अंडर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 टू बी होस्टेड इन इंडिया हैव बीन एक्सेप्टेड। सिंपल सी बात कर रखी है, ये जो दे रखा है फीफा, दैट इज फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन या उसकी कोई सब्सिडरीज, दो पार्टी होती है, एक सप्लायर और दूसरा रिसिपियंट। दोनों में से कोई एक भी अगर ये है फीफा, तो सारी सर्विसेज एग्जम्प्टेड है। दैट मींस फीफा अगर सब हमें सर्विसेज दे रहा है तो भी एग्जम्प्ट, हम फीफा के रेस्पेक्ट में सर्विसेज दे रहे हैं तो भी एग्जम्प्ट है। क्लियर। बट एक छोटी सी कंडीशन दे रखी है, द एग्जम्प्शन विल बी अवेलेबल इफ डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट सर्टिफाइड दैट सर्विसेज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी इवेंट एनी ऑफ द इवेंट अंडर फीफा। एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि जिन सर्विसेज के रेस्पेक्ट में आप एग्जम्प्शन ले रहे हो वो फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में या उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ऑब्वियसली। क्लियर। तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2017 जो इंडिया में होने वाला है इसके रेस्पेक्ट में जो भी सर्विसेज फीफा को दे रहे हैं या वो हमें दे रहा है दैट इज एग्जम्प्टेड। तो सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों में से कोई एक भी हो तो भी एग्जम्प्शन मिलेगा। क्लियर। सो कोई टेक्निकल इसमें चीजें नहीं है, एक सिंपल सा डिस्कशन था, कुछ खास नहीं था। क्लियर। तो आप कहीं पे भी हेडिंग डाल दो इसको, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा, बस इतना काफी है, बाय एज वेल एज टू। सप्लायर रिसिपिएंट में कोई एक भी हो तो। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू, नया एग्जम्पशन है, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स, मैं इसको लिख लेता हूं थोड़ा बहुत। चलो, दो पार्टी होगी इस एग्जम्पशन में, एक होगा सप्लायर और दूसरा होगा रिसिपिएंट। हालांकि आप सब जानते हैं क्या होता है फेयर प्राइस शॉप, आपको पता है राशन कार्ड, जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं ना उसे फेयर प्राइस पर एसेंशियल कमोडिटीज है वो सप्लाई की जाती है अंडर गवर्नमेंट स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो फेयर प्राइस शॉप क्या है, ये ऐसे शॉप है जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है कि ये लोग जो भी राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज सप्लाई करेंगे, जिनके बदले में इन्हें जो मिलता है क्या मिलता है, कमीशन मिलता है या कुछ ना कुछ मार्जिन मिल जाता है। गवर्नमेंट कुछ कम रेट पर देती है और थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके ये राशन कार्ड होल्डर को दे देते हैं। क्लियर। तो ये किसे सर्विस दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एसेंशियल चीजें राशन कार्ड होल्डर को फेयर रीजनेबल प्राइस पे मिले, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करते हैं, फेयर प्राइस शॉप। क्लियर। सर्विसेज तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट इसके बदले में इन्हें क्या देती है, कमीशन या मार्जिन। क्लियर। मैं पढ़ रहा हूं, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या चीज, बाय वे ऑफ सेल ऑफ वीट राइस क्योर्स ग्रीन्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन। क्लियर। तो ये फेयर प्राइस शॉप सर्विसेज दे रही है,
किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये चीजें वीट राइट्स ये सप्लाई करने का काम करती है, जिसके बदले में इन्हें क्या मिलता, कमीशन और मार्जिन। क्लियर? तो इन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम किया, जिसके बदले में गवर्नमेंट ने इनको क्या पे किया, कमीशन। इस कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। क्लियर? इसी तरह का एक एग्जम्पशन और है, थर्ड। क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर शॉप प्राइस शॉप टू स्टेट गवर्नमेंट। तो सप्लाई तो सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, बट यहां क्या चीज सप्लाई की जा रही है, आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, सेल ऑफ केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल्स वगैरह अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन एंड मार्जिन। दैट मीन्स फेयर प्राइस शॉप सेंट्रल गवर्नमेंट को या फेयर प्राइस शॉप स्टेट गवर्नमेंट को जो भी सर्विसेज दे रही है और इसके बदले में कमीशन या मार्जिन ले रही है, इस कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि सर्विस सप्लाई करने का, ये गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं कि हम आपके बिहाफ पर ये चीज पब्लिक तक पहुंचाएंगे और हम ये काम करेंगे, इसके बदले हमें क्या, तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको कमीशन दे देंगे। क्लियर? लिख दीजिए, आपको कुछ लिखना है तो। ओके फ्रेंड्स, नाउ पॉइंट नंबर फोर, अगेन को इंश्योरेंस स्कीम्स है। पहले कुछ स्कीम्स हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने सिर्फ उसका नाम चेंज किया है और कहा है कि ये एग्जम्पशन हम इन स्कीम्स पर भी देंगे। तो आपको अगर ध्यान में हो तो जब जब इस तरह की स्कीम्स आ रही थी, मैं खुद आपको पढ़ने के लिए दे रहा था कि जस्ट आप इसे रीडिंग लगा के छोड़ दें। तो पॉइंट नंबर फोर, तो आप खुद रीडिंग लगा देना, एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है, ओल्ड स्कीम्स थी जिसका नाम चेंज करके नई स्कीम्स लाई गई है। क्लियर? पढ़ लेना आप लोग। नाउ फिफ्थ, मैं आपको पढ़ा देता हूं, एज सच कुछ भी नहीं है, ये आगे भी कई जगह आएगा, फोर्थ आप पढ़ लेना। फिफ्थ, सिंपल सा एक्ट में हर जगह ये अमेंडमेंट डाला गया है और इतना कहा है कि अब तक जीएसटी में फॉर्म वर्ड आ रहा था, एलएलपी के बारे में सारी बातें साइलेंट थी, अब गवर्नमेंट को याद आया कि यार ये एलएलपी के बारे में कुछ अलग से नहीं बोला, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना कहा है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इट इज ट्रीटेड लाइक ए पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? तो जब जब हम वर्ड यूज कर रहे थे फर्म, फर्म का मतलब नॉर्मल फर्म, ट्रेडिशनल फर्म से भी है और एलएलपी से भी है। क्लियर? बार बार ये लाइन इस नोट्स में आने वाली है, एक बार मैं पढ़ लेता हूं, आगे जब ये लाइन आएगी तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर फाइव, इट हैज बीन क्लेरिफाइड बाय इंसर्टिंग क्लॉज थ्री, आपको क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं, टू द एक्सप्लेनेशन टू द नोटिफिकेशन दैट, सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। आपको पता होगा एलएलपी एक्ट अलग से इंडिया में बना हुआ है और उसी के अंदर जैसे कंपनीज एक्ट कंपनी लॉ में फॉर्म होती है 2013, एलएलपी एलएलपी एक्ट 2008 में फॉर्म की जाती है, शैल बी कंसिडर्ड एज ए पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? तो जहां जहां एक्ट में वर्ड फॉर्म या पार्टनरशिप हमारा है, उन सब जगह फॉर्म का मतलब साथ साथ में एलएलपी से भी है। क्लियर? जैसे हमने पढ़ा था स्पॉन्सरशिप सर्विस, सप्लायर कोई भी हो, रिसिपिएंट कौन हो, फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट, तो फर्म का मतलब नॉर्मल फर्म एज वेल एज एलएलपी से भी है। ओके, सो सिंपल सा एक लाइन लिख दो, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। नेक्स्ट आप खुद पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है, नेपाल और भूटान दो ऐसी कंट्रीज है। सेवंथ, नेपाल और भूटान दो ऐसी कंट्री है जिसके लिए बोलते हैं, वर्ड यूज किया जाता है लैंड लॉक्ड कंट्रीज, आप फ्रीली यहां आ जा सकते हो, एक उनके लिए स्पेशल एग्जम्पशन दिया गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस, मैं सेवंथ पढ़ रहा हूं, सिक्स में पढ़ा लूंगा आपको, सप्लाई ऑफ सर्विस एसोसिएट विथ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान हैव बीन एग्जम्प्टेड। क्लियर? सिक्स अभी मैं पढ़ा दूंगा, ध्यान रखा, पहले सेवंथ ले लिया मैंने।
सो नेपाल एंड भूटान में जो ट्रांजिट कार्गो इसके रेस्पेक्ट में जो सर्विसेज दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड, आराम से यहाँ हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स, ये भी एक इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू एनी इवेंट ऑर्गेनाइज अंडर फीफा वर्ल्ड कप। हमने पता है आपको कहा था राइट टू एडमिशन, अगर आप किसी बिल्डिंग में किसी प्रीमाइसिस में एडमिशन लेते हो और उसके लिए कंसिडरेशन पे करते हो, वो बिजनेस की डेफिनेशन में आता है, उस पर भी जीएसटी लगती है, पर हमने कुछ जगह एग्जम्पशन भी पढ़ा था, अगर आप कोई सर्कस में जाते हो, अवार्ड फंक्शन में जाते हो, क्लियर, कोई डांस या म्यूजिकल प्रोग्राम में जाते हो जहाँ कंसीडरेशन 250 रुपीज पर पर्सन या उससे कम है तो एग्जम्पशन था। एक एग्जम्पशन और ऐड किया गया है, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप में जो इवेंट होंगे और वो देखने के लिए आप जाओगे, जो आपको पैसा देना पड़ेगा एंट्री चार्जेस, सिर्फ एंट्री चार्जेस दो, उस पर जीएसटी आपको देने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो एक सिंपल सा है, सिक्स, सप्लाई ऑफ सर्विस बाई योर राइट टू एडमिशन टू एन इवेंट टू द इवेंट ऑर्गेनाइज बाई फीफा 2017 वर्ल्ड कप, क्लियर, लिख दो शॉर्ट में, राइट टू एडमिशन टू इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाई फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप में अगर आप कुछ देखने जाओगे मैचेस वगैरह तो उसके ऊपर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अगेन बहुत सिंपल सा है, एज सच बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और गवर्नमेंट को ये चीज़ पहले ही कर देनी चाहिए थी अमेंडमेंट्स में, बट उस समय रह गया होगा, तो अब अमेंडमेंट्स किया है। एक टर्म यूज़ की गई है आर्टिकल 243G, और ये 243 जो है ये पंचायत के रेस्पेक्ट में है। क्लियर, मैंने आपको जब नॉर्मल लेक्चर चल रहे थे तब कहा भी था कि पंचायत के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने सबके फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या काम होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के क्या होंगे, पंचायत के क्या होंगे, म्यूनसिपैलिटी के क्या होंगे, पंचायत के क्या काम है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243G में प्रेस्क्राइब कर रखे है। क्लियर, एक एग्जम्पशन पहले भी था कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज दे रही है, कौन सी, जो पंचायत को, क्या कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो काम जो सर्विसेज पंचायत को दे रखी है कि ये काम पंचायत करेगी, और मान लो वो काम कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कर रही है तो जीएसटी से एग्जम्प्ट होगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ काम पंचायत को दे रखे हैं, सपोज वो काम गवर्नमेंट अथॉरिटी करती है तो पहले ही एग्जम्प्शन था, अब इस बार गवर्नमेंट ने और एक्स्ट्रा ऐड क्या कर दिया है, वो काम जो दिए तो किसको है, पंचायत को, वो काम अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, यूनियन टेरिटरी करे या गवर्नमेंट अथॉरिटी करे तो जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी वर्ड तो पहले भी था, अब साथ साथ में ऐड और क्या कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। मीनिंग क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243G में लिस्ट दे रखी है ये काम कौन किसके है, पंचायत के। मान लो जो काम पंचायत को दे रखे और वो काम कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो वो भी क्या है, जीएसटी से एक्सेम्प्ट है। पहले वर्ड सिर्फ लोकल अथॉरिटी था, अब एक्स्ट्रा वर्ड और ऐड किए गए। क्लियर, एज सच कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है एग्जाम पर्पज के लिए, फिर भी आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, अमेंडमेंट्स नंबर 8।
नेक्स्ट नाइन जो अमेंडमेंट्स दे रखा है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं समझाने के लिए अगेन वर्ड यूज कर रहा हूँ, नाइन के लिए अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मिस कर सकते हैं इसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सप्लायर और रिसिपियंट क्या कह रखा है, सप्लायर कौन है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, और रिसिपियंट एक लिस्ट दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल यूनियन टेरिटरी, कुछ भी हो, क्लियर। तो क्या कह रखा है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी सर्विसेज दे रही है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी सर्विसेज ले रही है, और इन सर्विसेज के बदले में इसे क्या मिल रहा है, कोई ना कोई ग्रांट मिल रहा है, ग्रांट आप समझते हो लाइक डोनेशन, तो इस ग्रांट के ऊपर भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी, क्लियर। सो गवर्नमेंट अथॉरिटी सर्विसेज दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा सर्विसेज ले रही है, और इन सर्विसेज के बदले में इन्हें क्या दिया जा रहा है, कोई ना कोई ग्रांट, तो उस ग्रांट अमाउंट के ऊपर भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी। जस्ट आप रीड आउट कर दें, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझ लेना, है तो सिंपल, आपको अगेन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आरसीएम, और इस तरीके से मैंने हमेशा डिस्कस किया आरसीएम के लिए सप्लायर और रिसिपिएंट, मैंने अमेंडमेंट्स क्लास में भी आज समझाया आपको, सप्लायर कौन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और आरसीएम के लिए दो कंडीशन थी, फर्स्ट रिसिपिएंट दैट इज जो पर्सन फ्रेट पे करने के लिए लायबल है वो कौन होना चाहिए, तो एक लिस्ट दे रखी है ए से लेके एफ तक, तो ए टू एफ एक लिस्ट दे रखी है, उनमें से कोई ना कोई होना चाहिए, क्लियर। और दूसरा था ये टैक्सेबल टेरिटरी में हो तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, हमने पढ़ा था, क्या कहा था कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कोई सर्विसेज दे रही है और सर्विस लेने वाला कौन है, मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 136, एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट, कॉपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, एनी पार्टनरशिप फर्म विद रजिस्टर्ड और नॉट इंक्लूडिंग एओपी एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। ये लिस्ट करीब करीब वैसी है जो आरसीएम के समय आ रही थी। तो देखो आप, अगर सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और रिसिपिएंट इनमें से कोई है तो टैक्स कहां लगता था, आरसीएम में। ये प्रोविजन आज भी है। तब मैंने कहा था मान लो इस लिस्ट के अलावा कोई लोग है तो आरसीएम नहीं आएगा तो टैक्स कौन पे करेगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद। इसका मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर तो जीएसटी लगनी ही लगनी है। अगर रिसिपिएंट इनमें से कोई है तो आरसीएम में रिसिपिएंट जीएसटी पे करे, इनके अलावा कोई है तो सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने सर्विसेज दी किसको, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो पहले इस पर जीएसटी लगती थी और कहां, फॉरवर्ड चार्ज में। क्यों, क्योंकि ए से लेके जी में आप देखोगे तो करीब करीब सब बिजनेस एंटिटीज है, जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे सर्विसेज देती है तो आरसीए में तो नहीं आ रहा था क्योंकि ए से लेके जी की जो लिस्ट है उसके अलावा है, पर टैक्स कौन पे करता था फिर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, क्लियर।
तो मान लीजिए आपको जयपुर से दिल्ली कोई सामान भिजवाना है और आपने जीटीए की सर्विसेज ली, आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जीएसटी पे करते थे और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आगे टैक्स पे करती थी। ये पहले सिस्टम था। अब गवर्नमेंट ने एक एग्जम्पशन दिया है और क्या कहा है, अगर सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ये जीएसटी से एग्जम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। पहले इस पर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स लगता था। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हमसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती थी और अब क्या रखा है, इट इज एग्जम्प्टेड। क्लियर? अब मैं पढ़ लेता हूं। क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू अंडरलाइन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बट ये रखा अदर देन फॉलोइंग, इसका मतलब इन सबको छोड़ दो, ये सब आरसी में टैक्स पे करेंगे पहले भी आज भी, इनके अलावा अगर कोई पर्सन है और वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में ये सर्विस एग्जम्प्ट होगी। तो सिंपल सी बात, ये एग्जम्प्शन कब अप्लाई होगा, सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एक्सेप्ट ये पूरी लिस्ट, देन इट इज एग्जम्प्ट। क्लियर? तो थोड़ा आपको ढंग से लेना पड़ेगा इसको, लिख दीजिए आप अपने हिसाब से, एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स नंबर 11 मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रिकॉल करिए। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी, फ्रेंड्स याद कर लीजिए, पहले भी ये अमेंडमेंट था टोल चार्जेस, तब मैंने क्या कहा था, अगर कोई ब्रिज या रोड यूज करते हो और उसके लिए टोल चार्जेस पे करते हो, आपको सिर्फ वो टोल चार्जेस देना है, जीएसटी नहीं देनी है। पहले एन्यूटी वर्ड नहीं था, अब गवर्नमेंट ने टोल चार्जेस तो कंटिन्यू रखा, साथ में एन्यूटी है उसको भी ऐड कर दिया है। क्लियर? आप याद रख लो, काफी है आपके नॉलेज के लिए समझा देता हूं। टोल चार्जेस जो है ना वो तो पैसेंजर पे करते हैं, हमने अगर वो रोड यूज करी है, ब्रिज यूज किया है, हम टोल चार्जेस पे करते हैं, लेकिन जो एन्यूटी है ना ये एनएचएआई पे करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई पे करता है उस हाईवे की मेंटेनेंस के लिए। क्लियर? तो टोल चार्जेस कौन पे करता है, पैसेंजर, हम लोग, और एनएचएआई क्या पे करता है, एन्यूटी उस हाईवे की मेंटेनेंस के लिए। क्लियर? तो यहां पे करने वाला कौन होता है, एनएचएआई। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट तो नहीं है, पर फिर भी आपको ध्यान में रखना है, टोल चार्जेस एज वेल एज एन्यूटी दोनों जीएसटी से एग्जम्प्ट की गई है अगर किसी रोड या ब्रिज को यूज करने के रेस्पेक्ट में पे की जा रही है। क्लियर? तो टोल चार्जेस पहले भी था, अब और एक्स्ट्रा ऐड किया गया है एन्यूटी, लिख दीजिए थोड़ा सा।
ओके फ्रेंड्स, नाउ एक अमेंडमेंट और हुआ है, पहले जो अमेंडमेंट था उसमें चेंज हो गया है, अगर आपको याद हो तो, इनफैक्ट याद तो होगा आपको, एक इस तरीके से डिस्कशन हुआ था सप्लायर और रिसिपेंट, 30 साल और 30 साल से ज्यादा की लीज, रिसिपेंट सप्लायर था ये स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, क्लियर, और रिसिपेंट था कोई ना कोई इंडस्ट्रियल यूनिट। तब मैंने कहा था सप्लायर दैट इज स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लीज पर दिया हो कम से कम 30 ईयर्स के लिए, तो उसके रेस्पेक्ट में जो इनिशियल पेमेंट था, अपफ्रंट पेमेंट था, वो एग्जम्प्ट था। याद होगा आपको, अगर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को कम से कम 30 साल के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट लीज पर दिया गया है, तो जो इनिशियल पेमेंट था, अपफ्रंट पेमेंट था, उसको एग्जम्प्ट किया गया था। ये बात पहले भी थी, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा नेचर ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड कर दिया है कि ये कौन सा बिजनेस होना चाहिए। मैं कुछ पढ़ रहा हूं, एग्जम्पशन नंबर 12, अर्लियर वन टाइम अपफ्रंट पेमेंट called as a premium, salami, cost price, development charges or any other sum, levyable in respect of service by way of granting of long term 30 saal ya zyada lease of industrial plot provided by state government industrial development corporation to industrial unit was exempt. ye amendment se pehle ki language hai aur ye exemption tha, thoda sa change kiya hai. under the amendment position aaj kya hai, the upfront payment same hai, अपफ्रंट अमाउंट पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 20 ईयर्स और मोर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट और प्लॉट्स सेम है, बट नेचर ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड कर दिया, काय के लिए प्लॉट लीज पे दिया है, क्यों लीज पे दिया, तो क्या रखा है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, एक स्पेसिफाइड कर दिया है। ये क्यों लीज पर दिया गया है, तो दे रखा है काय के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, तो फाइनेंशियल बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके लिए लीज पर दिया है, तो एग्जम्प्ट है, क्लियर। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूं, सो अंडर अमेंडेड पोजिशन द अपफ्रंट पेमेंट अमाउंट पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाई वे ऑफ ग्रांटिंग लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 और मोर देन 30 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस प्रोवाइडेड बाई सेम स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक लाइन एक्स्ट्रा एड और की है, और आप कह सकते हैं और किसने, और अंडरटेकिंग और एनी अदर एंटिटी हैविंग 50% और मोर देन ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स और डेवलपर। तो पहले तो सर्विस सप्लायर कौन था, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अब दे रखा है कोई दूसरी एंटिटी भी हो सकती है जिसकी कम से कम 50% ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, क्लियर। तो वो एंटिटी अगर इंडस्ट्रियल यूनिट को इस बिजनेस के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट 30 साल या ज्यादा पीरियड के लिए लीज पर देते हैं, तो एग्जम्प्ट है। तो दो तीन चीजें ऐड की गई है, दो चीजें, फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड किया है, अब एग्जम्पशन कब मिलेगा, लीज पर क्यों दिया है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, और दूसरा साथ में स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पहले भी था आज भी है, और दे रखा है अगर लीज पर कौन दे रहा है, कोई ऐसी एंटिटी जिसकी 50% कम से कम ओनरशिप गवर्नमेंट के पास हो। तो अगर ऐसी कोई एंटिटी भी इंडस्ट्रियल प्लॉट लीज पर देती है तो भी इनिशियल पेमेंट एग्जम्प्ट होगा। तो पहले भी इनिशियल पेमेंट था आज भी, पहले भी 30 साल आज भी 30 साल, पहले भी इंडस्ट्रियल प्लॉट आज भी इंडस्ट्रियल प्लॉट, बट फर्क इतना है इंडस्ट्रियल यूनिट को क्यों लीज पर दिया है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियर। एंड ऐसा कैसा एग्जम्पशन के लिए उसने कह दिया है, हम IGST से भी एग्जम्प्ट कर रहे हैं।
अपर सेक्टर आ गया। पैरेलल एग्जम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी हैज आल्सो बीन एग्जम्प्टेड। तो जो एग्जम्पशन सीजीएसटी के वो सारे के सारे एग्जम्पशन तो आईजीएसटी में है ही, मैं न बोलूं वो भी इंप्लाइड है। ओके सो इस एग्जम्पशन को पूरा पढ़ लेना, एक छोटी सी लाइन और आएगी, फर्दर नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 हैज आल्सो बीन अमेंडेड टू एग्जम्प्ट इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस हैविंग प्लेस ऑफ सप्लाई नेपाल एंड भूटान अगेंस्ट इंडियन रुपीस। दैट मीन्स अगर आप नेपाल और भूटान में अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, नेपाल और भूटान में अगर आप सर्विसेज दे रहे हो और कंसीडरेशन आपको रुपीज में मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम। जस्ट आपको लर्न करना है, याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट एग्जम्पशन। और ये एग्जम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से हमारी रेगुलर क्लास का कुछ डिस्कशंस अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर है, नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर। तब कहा था अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड पर्सन है, क्लियर, और उसने कई लोगों से सप्लाई ली है, तो ये तो कौन हो गया? रिसिपिएंट। ये सब के सब क्या है? सप्लायर। बट है क्या? अनरजिस्टर्ड सप्लायर, क्लियर। तो अगर आपने अनरजिस्टर्ड लोगों से गुड्स या सर्विसेज खरीदी है, और हमने डिस्कस किया था 5,000 रुपए पर डे तक, तो आपको स्पेशली क्या किया था? एग्जम्पशन, क्लियर। इसका मतलब अब तक ये था कि हम रजिस्टर्ड पर्सन है, हम रोज छोटे छोटे आइटम्स तो खरीदते ही है, स्टेशनरी का कुछ और आइटम, अगर हमारी टोटल परचेस पर डे 5,000 या 5,000 से कम है तो एग्जम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगी। और हमने कहा भी था अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सेक्शन 9(4) में आरसीए में आता है, तो सप्लायर टैक्स नहीं पे करेगा, टैक्स कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। बट 5,000 रुपए तक का क्या था? एग्जम्पशन। अब गवर्नमेंट ने 5,000 की लिमिट खत्म कर दी है और अनलिमिटेड एग्जम्पशन दे दिया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस कर रहे हो, कोई 5,000 की लिमिट नहीं है, सारी चीजें आपके लिए जीएसटी से एग्जम्प्ट। So, ये एक पॉइंट मैंने आपको दिया है पेज नंबर 138 पर। लैंग्वेज काफ़ी सारी बना के दी है, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज जहाँ से गवर्नमेंट दी थी हमने वही ली है, डिस्कशन के लिए ज़रूरी होती है। पर नेट कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट ने अपर लिमिट ऑफ 5,000 हैज बीन रिमूव, क्लियर। सो मैं सिर्फ इतना सा पॉइंट रहता है कि आज की डेट में अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हो, आपको 5,000 की लिमिट चेक नहीं कर रही है, कि पूरी की पूरी आपके लिए क्या है? एग्जाम, चाहे मॉनिटरी अमाउंट कितना भी। ओके, हालांकि एग्जम्पशन 31 मार्च 2018 तक है, तो आपको वैसे भी नहीं सोचना है, गवर्नमेंट इस डेट को और एक्सटेंड कर दी अभी, बट अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। मई अटेम तक आपको इतना ही सोचना है कि हमारे लिए क्या है ये एग्जम्प्ट।
सो नेक्स्ट जो अमेंडमेंट्स ले रहे हैं उसको आप अच्छे से समझिएगा, और मैं कह सकता हूं कि एग्जाम के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, और हमने रेगुलर क्लास में जो चीज डिस्कस करी थी उसमें उन क्वेश्चन में उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा इफेक्ट आएगा। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक लेके चल रहा हूं फ्रेंड्स। एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 5, दो पार्ट में डिस्कस किया था, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये एक चैप्टर था जिसका हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था, और यूनिट 1 था टाइम ऑफ सप्लाई। तब मैंने कहा था कि ये चैप्टर पढ़ने के पीछे क्या रीजन है, क्यों ये चैप्टर पढ़े। तब मैंने कहा था सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है, और ये टैक्सेबल इवेंट आपकी लाइफ में कब आएगा ये डिसाइड करने के लिए चैप्टर डिस्कस किया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या डिटरमाइन करता है, मैंने कहा था लायबिलिटी टू पे जीएसटी, कि आप जीएसटी पे करने के लिए कब लायबल हो ये डिसाइड करता है कौन, टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने ये भी कहा था कि टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स के रेस्पेक्ट में प्रोविजन अलग है और सर्विस के रेस्पेक्ट में प्रोविजन अलग है। गुड्स के रेस्पेक्ट में लायबिलिटी आती है ये डिसाइड करता है सेक्शन 12, और सर्विस के रेस्पेक्ट में था सेक्शन 13। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अमेंडमेंट्स यहां नहीं हुआ है, अमेंडमेंट्स कहां हुआ है, सेक्शन 12 में। याद रखो सेक्शन 12 6 सबसेक्शन थे, जहां हमने सेक्शन डिस्कस किया था सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, और कहा था कि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन जीएसटी इज पेबल अंडर नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज, दैट मीन जीएसटी कौन पे करेगा, सप्लायर, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, ए डेट ऑफ इनवॉइस, बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, कहा था। तब मैंने कहा था डेट ऑफ इनवॉइस के सामने कौन सी डेट लिखेंगे, एक्चुअल डेट, बट मान लो आपने इनवॉइस इश्यू नहीं करी या एज पर सेक्शन 31 इश्यू नहीं करी तो डेट कौन सी लिखेंगे, वो लास्ट डेट जब तक आपको इनवॉइस इश्यू कर लेनी चाहिए थी। डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट क्या था कि बुक्स में कब एंट्री करी, बैंक में कब क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। क्लियर? सो हम जो अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ है, टाइम में गुड्स के प्रोविजन अलग, सर्विस के प्रोविजन अलग, सर्विस में कोई अमेंडमेंट्स नहीं, अमेंडमेंट जो आया है सेक्शन 12 में आया है। 12 में भी 6 सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता है कब, जब जीएसटी पे करते हो नॉर्मल चार्ज फॉरवर्ड चार्ज, और फॉरवर्ड चार्ज में कौन जीएसटी पे करेगा, रिसिपिएंट या सप्लायर, सप्लायर, और सप्लायर के जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आती है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये वो डिस्कशन था जो हमने उस समय डिस्कस किया था। फ्रेंड्स आप देखेंगे पेज नंबर 138 पर एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 40/2017, इसने ये कहा है, या अगर आप ऐसा देखिए, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल आपने इनवॉइस इश्यू नहीं करी, आपने कोई इनवॉइस इश्यू नहीं करी, लेकिन आपने एडवांस पैसा 1,00,000, फॉर एग्जाम्पल 1,80,000 रुपए आपने एडवांस रिसीव कर लिया। अगर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं करी कोई बात नहीं, लेकिन आपने एडवांस तो मिला है, क्या 1,80,000 पर आपको जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं आएगी, आएगी, क्यों, ए एंड बी विच एवर इज अर्लियर, भले ही आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो क्या हुआ, पैसा तो मिला है, एडवांस तो मिला है, अगर आपको एडवांस मिलता है जीएसटी पे करनी पड़ेगी, भले गुड्स फ्यूचर में सप्लाई होगा,
भले ही इनवॉइस फ्यूचर में इश्यू की जाएगी, लेकिन अगर एडवांस मिला है जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो ये सिचुएशन तो थोड़ी खराब हो गई। क्यों? मैंने गुड्स दिया नहीं, इनवॉइस इश्यू नहीं करी, बट मेरे कस्टमर ने मुझे एडवांस भेज दिया, मुझे एडवांस पर जीएसटी पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लिया है नोटिफिकेशन नंबर 40 इशू करके, और क्या कहा, अगर आपको एडवांस मिला है तो भी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगी। टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगी? जब आप इनवॉइस इशू करते हो। तो बिफोर अमेंडमेंट्स क्या था, एक्स एंड वाई दो पर्सन है, एक्स एंड वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहां वो 8 लाख रुपए का गुड्स वाई को सप्लाई करेगा, और वाई ने फॉर एग्जाम्पल इसको 1,80,000 रुपए का क्या दे दिया, एडवांस। बिफोर अमेंडमेंट सिचुएशन ये थी कि जिस दिन 1,80,000 रुपए मिला, उस दिन 1,80,000 पर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी एक्स ही आ चुकी है। अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू करके कहा कि जो पैसा आपको एडवांस मिल रहा है उस पर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आएगी? जब आप इनवॉइस इश्यू करते हो। तो सोचो, ये अमेंडमेंट्स हमारे लिए अच्छा या खराब? बहुत बढ़िया है। पहले एडवांस पर हमको जीएसटी देनी पड़ती थी, लायबिलिटी इमीडिएटली आती थी, जैसे ही पैसा मिला लायबिलिटी आ गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा एडवांस पर आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी, जब इनवॉइस इश्यू होगा तब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आएगी। अमेंडमेंट्स तो अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट हर लोगों को नहीं दिया है। बेनिफिट गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगों को दिया है जिनका टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 करोड़ से, मैं पढ़ लूंगा पूरा, या उससे कम है। तो जिन लोगों का टर्नओवर 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ या उससे कम था पिछले साल का, वो करंट ईयर में ये बेनिफिट ले सकते हैं। या मान लो आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप एस्टीमेट लगाओ, और अगर आपको लगता है आपका टर्नओवर करंट ईयर में 1,50,00,000 या उससे कम होगा, तो भी आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठा सकते हो। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि जिन लोगों का टर्नओवर या जिन जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है उनके पिछले साल का टर्नओवर अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, या नए बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर करंट ईयर का 1 करोड़ या उससे कम होने के चांसेस है, वो लोग इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि आप कंपोजिट स्कीम वाले सप्लायर नहीं होने चाहिए। ये बेनिफिट कंपोजिशन स्कीम सप्लायर को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट कब मिलेगा? व्हेन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, आपके पिछले साल का टर्नओवर 1,50,00,000 या उससे कम, या नए बिजनेसमैन तो करंट ईयर में 1,50,00,000 या उससे कम होने के चांसेस है, प्लस आपने सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन नहीं लिया है, तो आप ये बेनिफिट उठा सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ मैं कुछ पढ़ रहा हूं, आप इतना लिख सकते हैं, ये बैकग्राउंड था। नॉर्मल टाइम ऑफ सप्लाई, मान लीजिए आपके पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ था, तो आपके ऊपर ये नोटिफिकेशन नहीं अप्लाई होगा। आपके टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? वही डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। बट अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1,50,00,000 या उससे कम था, तो फिर आपको एडवांस रुपए पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अब जीएसटी कब देना? जब रिलेवेंट इनवॉइस इश्यू करो। क्लियर? मैं कुछ पढ़ रहा हूं, लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल होगी, बट लास्ट में जाके लैंग्वेज को सिंपल फॉर्म में भी लिखा है, तो आप चाहे तो नेट कंक्लूजन भी देख सकते हैं। पेज नंबर 138 पे मैं पढ़ रहा हूं, नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, अंडरलाइन। ये बेनिफिट गुड्स के रेस्पेक्ट में, सर्विस के रेस्पेक्ट में नहीं दिया है। फॉर एसएससी एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देखा जाए तो इस हेडिंग के अंदर सारे प्रोविजंस आ चुके हैं, बट फिर भी इसको और मैं डिटेल में ले रहा हूं। द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 करोड़, और रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द ईयर इन विच सच पर्सन हैज ऑप
extend registration, new businessman is likely to be less than 1.5 crores. Plus, who did not opt for composition scheme have been notified as class of person who shall pay CGST on outward supply of goods, that is supplier, at the time of supply as specified in section 12-2A. 12-2A, kya tha? Date of invoice. Kya ka iska matlab? Aise person jinka turnover 1.5 crore se jyada nahi hai plus composition scheme mein nahi gaye hai, wo advance ke upar CGST pay karenge as per 12-2A. That means date of invoice ke basis par. Unko keh diya B ke liye nahi, tum A ke hisab se pay karo. Including the situation attracting provision of section 14. 14 jo hai wo aapke syllabus mein nahi tha, is line ko aap ignore kar sakte ho. Agar aapko yaad ho jab chapter samjhaya tha 12, 13 aur seedha value ke liye 15 pe leke gaya tha. Wo time pe bhi maine kaha tha section 14 nahi hai aapke. Final mein padhoge job work ka. These persons shall accordingly furnish details and returns as mentioned in chapter 9th of the act and rules made thereunder and period prescribed for payment of tax by such class of registered person shall be such as specified in the act. So last ki 3 line ka matlab simple sa hai ki is notification ne keh diya ki aise log jinka turnover 1.5 crore se jyada nahi plus composition supplier nahi wo 12 subsection 2 clause A डेट ऑफ इनवॉइस के हिसाब से उनका टाइम ऑफ सप्लाई होगा और इसी को कंसीडर करके ये रिटर्न फाइल्स करें, पेमेंट करें. तो लास्ट लाइन जो है वो प्रोसीजर है कि इस नोटिफिकेशन को कंसीडर करके उन्हें अपने रिटर्न सबमिट करनी है, अपने इंफॉर्मेशन देनी है, अपने पेमेंट्स करने हैं. क्लियर? नेक्स्ट पेज. अब नेक्स्ट पेज पे आपको शॉर्ट में समरी दे रखी है इन सिंपल वर्ड. क्या कहना चाहता है? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लायर्स, क्योंकि हम किसकी बात करें, नॉर्मल चार्ज ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स की बात है, सर्विस पर ही बेनिफिट नहीं है. हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर, उनको भी बेनिफिट नहीं, विल बी द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. दस जीएसटी विल नॉट लेवेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सच सप्लाई. तो एडवांस पर उन्हें जीएसटी देने की जरूरत नहीं है. तो फ्रेंड सोच के बताओ, क्या ये सर्कुलर नोटिफिकेशन हमारे लिए अच्छा या खराब? बहुत बढ़िया है, हमें एडवांस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा. क्लियर? और अच्छी बात आगे दे रखी है, पर याद रखना फ्रेंड्स, ये बात मई वालों पर अप्लाई नहीं होगी. मैं फिर कह रहा हूं, मई वालों के एग्जाम में वही नोटिफिकेशन सर्कुलर एप्लीकेबल होते हैं जो 31 अक्टूबर 2017 तक इशू हो चुके थे. ये नोटिफिकेशन कब इशू हुआ है? आप देखो 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर दैट मींस 31 अक्टूबर के बाद इशू हुआ है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुका है, एग्जाम में रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो नवंबर में एग्जाम देंगे उनके लिए रिलेवेंट है. तो मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए दे रहा हूं, आप लिख देना ये बात मई 2018 में अप्लाई नहीं होगी, वहां तो 1.5 करोड़ की लिमिट लेनी पड़ेगी. उसके बाद नवंबर में जो एग्जाम्स होंगे उन पर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको 31 अक्टूबर तक के ही एग्जाम्स में रिलेवेंट होते हैं. ये 15 नवंबर को आया है, पढ़ रहा हूं. नोटिफिकेशन नंबर 40 जो हमने पढ़ा है हैज बीन सुपरसीडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 66. ये 40 नोटिफिकेशन इशू किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने 66 नोटिफिकेशन और इशू किया, इससे 40 वाला क्या हो गया? खत्म, ओवरराइड कर दिया. तो आप सोचो, आप मई 18 में वो बात करोगे जो अभी खत्म हो चुकी है, पर एग्जाम के हिसाब से चलना पड़ेगा. नवंबर 17 टू स्पेसिफाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल सप्लायर ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर विल बी द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट एनी टर्नओवर लिमिट. अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने ये अच्छा नोटिफिकेशन दिया था, इसको और अच्छा बना दिया है, 1.5 करोड़ की लिमिट भी हटा दी. तो करंट सिचुएशन ये है, आपकी टर्नओवर कितना भी हो, 1.5 करोड़ क्या 150 करोड़ हो, तो भी आपको एडवांस पर जीएसटी पे नहीं करनी है. क्लियर? पर याद रखना, ये बेनिफिट सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में, सर्विस के रेस्पेक्ट में नहीं, नॉर्मल चार्ज में है सप्लायर, रिसीपेंट पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा.
बट आप एग्जाम देते समय 1.5 करोड़ की लिमिट लेना जो मई 2018 में एग्जाम देने हैं, नवंबर के लिए इस अमेंडमेंट के बाद भी अमेंडमेंट्स आ गया है जो ये मैंने दिया है मई 18, आप इसे कंसीडर ना करें। क्लियर? तो सिंपल सी बात ये हुई कि जिन नॉर्मली एडवांस के ऊपर जीएसटी देनी पड़ती है बट जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं प्लस वो कंपोजिशन सप्लायर नहीं, वो एडवांस पर जीएसटी नहीं देंगे, तो जीएसटी कब देंगे? इश्यू के हिसाब से, डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर फ्रेंड्स? लिख दो आप अपने हिसाब से, और मैं फिर कह रहा हूं इस बॉक्स को गलती से मत पढ़ लेना, आप चाहे तो लिख दो ये मई 18 में अप्लाई नहीं है, मई 18 के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट चेक करनी होगी। ठीक है, लिख लो। ओके फ्रेंड्स, सो एक अमेंडमेंट और हुआ है, और ये अमेंडमेंट मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर के समय ले लिया था, मैं उसको वापस से रिपीट कर रहा हूं, तो कोई ऐसी बात नहीं है जो वो आपको नहीं आती है, ये चीज आपको आती है रजिस्ट्रेशन। क्लियर? एक चैप्टर 7 हमने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन, और वहां पे अगर आपको याद हो तो एक तो सेक्शन था 22, सेक्शन 22 टर्नओवर वाला था। क्या था? जिन लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और उन 10 स्पेसिफाइड स्टेट जिसमें जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं है, वहां पे कितना था? 10 लाख से ज्यादा, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेक्शन 22 क्या बोलता है? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 10 ऐसे स्टेट हैं, उनमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी लिमिट लगेगी? 20 लाख वाली। उन 10 स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख की जगह लिमिट 20 लाख की जगह लिमिट कितनी है? 10 लाख, और 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। डिस्कस किया था। फिर एक सेक्शन मैंने और डिस्कस किया था 24, तब मैंने कहा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तब मैंने कहा था आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो, इररिलेवेंट है, एक रुपया भी हो, सेक्शन 24 ने कुछ लिस्ट दे रखी थी और कहा था इन लोगों के ऊपर टर्नओवर वाली बात नहीं होगी, भले ही टर्नओवर एक रुपया का हो, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था ऐसे लोग जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई चाहे गुड्स की चाहे सर्विसेज की, भले एक रुपया का टर्नओवर हो, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैंने कहा था नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऐसी कुछ लिस्ट मैंने आपको दी थी और कहा था इन लोगों का टर्नओवर मत चेक करो, इन्हें तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। ये 20 लाख और 10 लाख की लिमिट गुड्स और सर्विस दोनों के लिए है। क्लियर? मेरे रिकॉर्डिंग लेक्चर में ये डिस्कशन आ चुका है, तब मैंने कहा था कुछ बेनिफिट दे रखा है। तो फर्स्ट तो बेनिफिट ये है कि जो लोग
इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, और एक बेनिफिट दे रखा है, या फिर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सिर्फ इन दो लोगों को बेनिफिट दिया है। क्लियर? इंटरस्टेट सप्लाई या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको भी ये 20 लाख और 10 लाख रुपए वाला बेनिफिट दिया गया है, लेकिन हर आइटम पे नहीं, ओनली हैंडीक्राफ्ट आइटम पर, हैंडीक्राफ्ट गुड्स पर। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट, ये 20 लाख की लिमिट नॉर्मली पहले नहीं थी, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके 20 लाख का बेनिफिट दिया है, कहा कि कोई बात नहीं, वैसे तो तुम एक रुपए के भी इंटरेस्टेड सेल करोगे, या तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, एक रुपए के सेल करो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पर अब गवर्नमेंट ने कहा चलो हम तुम्हें भी 20 लाख रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं, 10 लाख रुपए वाला बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को है जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर है। इसका मतलब अगर हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में डील करते हैं और हमने इंटरेस्टेड सप्लाई करी है तो हमें 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, और 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। मान लो हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और हैंडीक्राफ्ट आइटम में डील कर रहे हैं तो भी हमें 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। और ध्यान में रखना, हैंडीक्राफ्ट आइटम के अलावा जितने भी आइटम्स हो, अगर एक रुपए की भी सेल करोगे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सो दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट ऑफ रुपीज 20 लैक्स और 10 लैक्स गिवन ओनली टू हैंडीक्राफ्ट गुड्स, नॉट एनी अदर आइटम्स। सिर्फ दो बातें हैं, इंटरेस्टेड सप्लाई और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन पे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन चाहे हैंडीक्राफ्ट आइटम की बात करें चाहे कोई और आइटम की बात करें, इसको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ये 10 और 20 लाख का बेनिफिट सिर्फ किनको दिया गया है? इंटरेस्टेड सप्लायर और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। क्लियर? और साथ साथ में ये बेनिफिट सर्विस प्रोवाइडर को भी दे रखा है, तो सप्लायर ऑफ सर्विस में लिख लेता हूं, सप्लायर ऑफ सर्विस। इसका मतलब सर्विस वाले भी 20 और 10 लाख वाला बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो गुड्स में ओनली हैंडीक्राफ्ट गुड्स और सर्विस में ऑल टाइप ऑफ सर्विस। क्लियर फ्रेंड्स? ये डिस्कशन हमने सारा किया है और आप पेज नंबर 140 देखिए, उस पर मैं कुछ पढ़ रहा हूं, उसके बाद ही आराम से आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट में और ले रहा हूं जॉब वर्कर के लिए। क्लियर? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ले लेता हूं। पेज नंबर 140 बीच में दे रखा जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, सिर्फ जॉब वर्कर के लिए कह रखा है। तो जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि जॉब वर्कर तो हमेशा क्या करते हैं, सर्विस ही देते हैं। जॉब वर्क हमने कहा था किसी और पर्सन का गुड्स है, इस पर मैं कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब इस गुड्स की ओनरशिप तो मेरे पास कभी नहीं आई, तो मैंने क्या किया है, जॉब वर्क ही किया है। तो जॉब वर्क क्या है, हमने पढ़ा था शेड्यूल 2 में, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या लिखा है? जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन एग्जम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो सिंपल सी बात कर लो, जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देगा तो सप्लायर कौन है, जॉब वर्कर, रिसिपिएंट कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने का जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट दे रखा है आगे क्या, हाउएवर नथिंग कंटेन इन दिस नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू अ जॉब वर्कर। इसका मतलब ये नोटिफिकेशन एक अच्छा है, जॉब वर्कर को फ्री कर रहा है कि जॉब वर्कर तुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, भले तो इंटरेस्टेड सप्लाई कर, पर सप्लाई किसको कर, रजिस्टर्ड पर्सन को। लेकिन क्या रखा है, भले ही तू जॉब वर्कर है, भले ही तू इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है और भले ही तू रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, तो भी हम तुम्हें बेनिफिट नहीं देंगे, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट कुछ खास नहीं है। Who is liable to be registered under section 22? इसका मतलब
अगर उस जॉब वर्कर का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो गया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट में ऐसा बोल दो ना, क्यों नोटिफिकेशन इतना घुमा के बोला जा रहा है, शॉर्ट में बोल दो ना, जिन जॉब वर्कर का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है, या 10 लाख या 20 लाख तक है, और वो इंटरेस्टेड सप्लाई करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो एग्जम्पशन मिलेगा। अगर टर्नओवर तुमने 20 लाख को क्रॉस कर दिया तो सबकी तरफ तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एंड सेकंड दे रखा है, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया है कोई मतलब ही नहीं इस बात का, वहां तो वैसे भी टर्नओवर देखा ही नहीं जाता है। टर्नओवर 1 रुपया का रजिस्ट्रेशन कराने की इच्छा कर कौन मना करता है, और हु ऑप्ट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3) वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी, हु इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ्स एंड सिल्वरस्मिथ्स वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स। जस्ट आपको ध्यान में रखना है, अगर आप जॉब वर्क कर रहे हो किस आइटम में, किसी ज्वेलरी या गोल्डस्मिथ या सिल्वरस्मिथ्स वेयर्स में कर रहे हो, तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इन आइटम के अलावा किसी भी आइटम के रेस्पेक्ट में आप जॉब वर्क करो तो आपको रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन है, भले ही वो इंटरेस्टेड सप्लाई हो, बट होनी रजिस्टर्ड पर्सन को चाहिए। बट हाँ, अगर 20 लाख को क्रॉस कर दिया तो फिर तुम्हारी बात क्या किसी की बात नहीं होगी, फिर तो सबको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो बात तो सबके लिए कॉमन है। तुमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब फिर बात खत्म होगी, वो तो सबके लिए है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्लियर। तो सर्विस की बात जनरल लिमिट में भी 20 लाख, पर जॉब वर्कर को अलग से क्या कह रखा है कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर तुम जॉब वर्क कर रहे हो किस रेस्पेक्ट में, ज्वेलरी एक्सेट्रा के रेस्पेक्ट में, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टर्नओवर चाहे कितना भी हो, क्लियर। तो ये नोटिफिकेशन इसके रेस्पेक्ट में पढ़ा जाए, ठीक है। और सर्विस की बात लास्ट में मैंने दे रखी है, पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विस, क्लियर। तो मैंने क्या डिस्कस किया, मैंने ये पढ़ा है फ्रेंड्स कि नॉर्मली 20 लाख या 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अगर आपने क्रॉस किया तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, अब कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन एक्ट ने यह कह रखा है कि जो लोग इंटरेस्टेड सप्लाई करते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, चाहे टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो चाहे कम हो। पर थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, फर्स्ट अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर हो तो आपको भी 20 लाख रुपए का बेनिफिट दिया गया है, भले वो इंटरेस्टेड सप्लाई हो। तो वैसे तो इंटरेस्टेड सप्लाई 1 रुपए की होते रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, बट हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को कह रखा है कि इंटरेस्टेड सप्लाई 20 लाख तक है तो रजिस्ट्रेशन फ्री हो। दूसरा, अगर आपने सर्विस की इंटरेस्टेड सप्लाई करी है तो भी आपको 20 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा, 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जॉब वर्क भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, यहां पर भी बेनिफिट है, बट आप जॉब वर्क किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ज्वेलरी एक्सेट्रा के रेस्पेक्ट में, तो आपको 20 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विदाउट एनी लिमिट रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है, लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट आइटम के रेस्पेक्ट में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो 20 लाख की लिमिट आपको मिलेगी, क्लियर। याद रखना, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन पर कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, इस पर तो पुराना स्टेटस आज भी है। ये बात सिर्फ कहां है, दो जगह, इंटरस्टेट सर्विस सप्लाई और दूसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्लियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट नोटिफिकेशन था। सो मई 18 के लिए आप लोग एकदम तैयार हो मेरी तरफ से, बहुत आराम से आप लोग एग्जाम देना। नवंबर 18 में जो लोग एग्जाम्स देंगे उन पर कुछ और अमेंडमेंट्स आएंगे नोटिफिकेशन और सर्कुलर के फॉर्म में, जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कभी कुछ डाउट्स हो बहुत आराम से आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।